Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura, Vadodara. Last lecture में हम देख रहे थे standard 11th commerce accountancy part first chapter number था 7 cash book and its types. आज हम देखने के लिए जा रहे हैं आपका lecture number 4. लेक्चर नंबर फोर्थ में हम क्या देखने वाले हैं, टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर फिफ्थ आपको देखना है। मगर एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या है? विच इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एट ट्वाइस, दो बार यदि कैश बुक में उसका रिकॉर्ड होता है, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होगा? अमाउंट डिपॉजिटेड इन ए बैंक, आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट की है, इट मीन्स आपके पास से आपने यदि बैंक में गए, बैंक में आपने अमाउंट डिपॉजिट किया, तो क्या होगा, आपके पास से कैश होगा, आउटफ्लो यानी कि कैश जा रहा है और आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया यानी कि बैंक में आ रहा है, तो बैंक में आपको लिखना है डेबिट, कैश में लिखना है क्रेडिट। कभी भी आप जब भी आपने अमाउंट यदि बैंक में डिपॉजिट किया है तो कैश जा रहा है, कैश में होगा क्रेडिट, बैंक में होगा डेबिट। सेकंड ट्रांजेक्शन है अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर एनी बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस के लिए यदि आपने बैंक में से अमाउंट विथड्रॉ किया है, फॉर एग्जाम्पल फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस पेमेंट के लिए आपने बैंक में से विथड्रॉ किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए आपने बैंक में से विड्रॉ किया, रेंट पेड के लिए आपने बैंक में से विड्रॉ किया, कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट के लिए यदि आप बैंक में से विड्रॉ करते हैं अमाउंट, तो बैंक में से अमाउंट जा रहा है यानी कि बैंक में होगा क्रेडिट, और विड्रॉ करने के बाद ऐसे हाथ में लेके तो आप घूमते नहीं रहेंगे, वो कहां पे आप रख देंगे अमाउंट, कैश बॉक्स में, तो कैश आ रहा है, कैश में होगा डेबिट। याद रखो ये दो ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, यदि एग्जांपल में दो में से कोई एक ट्रांजेक्शन आता है तो आपको क्या करना होगा, कैश बुक में डबल इफेक्ट होगी। चलो करते हैं स्टार्ट, एग्जांपल नंबर आज का है फिफ्थ और बाद में एग्जांपल नंबर सिक्स, आज हम दो एग्जांपल करने वाले हैं। सबसे पहले फिफ्थ एग्जाम्पल, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश एंड बैंक कॉल्यूनर कैश बुक ऑफ रिद्धि 2050, कैश एंड बैंक कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मेसर्स जे नेम ऑफ पार्टी दैट इज रिद्धि। सबसे पहले दिया है आपको 2015 मई फर्स्ट, तो यहां पे लिखता हूं, देखिए 2015 मई फर्स्ट, यहां पे भी 2015 मई, देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट में ओपनिंग कैश बैलेंस कहां पे लिखेंगे, कैश कॉलम में, ओपनिंग बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस है तो आपको यहां पे लिखना है, यदि बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो मैं कहां पे लिखता, क्रेडिट साइड। चलो करते हैं साथ में ही स्टार्ट, यहां पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो कैश कितनी है, ओपनिंग 4000, तो कैश कॉलम में आपको लिखना है 4000 और बैंक बैलेंस है 6000, तो बैंक कॉलम में आपको लिखना है 6000। आगे देखिए गुड्स ऑफ रुपीज 5000 सोल्ड टू मोनिका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, मोनिका इशूड चेक फॉर द नेसेसरी अमाउंट विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन अ बैंक। अब देखिए सेकंड की यहाँ पे मैं वर्किंग करूंगा जो भी जरूरत होगी, तब गुड्स कितना था, गुड्स था 5000, सबसे पहले आपको लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी के 500 4500, एक आंसर। यदि हमने परचेस किया है तो इट इज कॉल्ड एज परचेस, हमने सेल्स किया है तो इट इज कॉल्ड एज सेल्स, सेल्स है, मैं सेल्स करूंगा तो मेरे पास चेक इनफ्लो, चेक आ रहा है, मेरे को चेक रिसीव, तो यहाँ पे लिखूंगा डेबिट साइड, डेट कौन सी है, सेकंड, यस सेकंड, यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, मैंने गुड्स सोल्ड किया है इसलिए सेल्स अकाउंट। कितना चेक आपको मिल रहा है, नेसेसरी अमाउंट, कितना चेक मिला होगा 4500, तो आपको लिखना है बैंक में इनफ्लो 4500। आगे है 2000 पेड टुवर्ड सैलरी, 100 पेड टुवर्ड ब्रोकरेज बाय कैश, कैश पेमेंट है मे 4, सबसे पहले आपने सैलरी पेड की है तो पहले लिखूंगा बाय सैलरी अकाउंट,
कितनी सैलरी कैश पेमेंट है या चेक से पेमेंट है, 2000 पेड टुवर्ड सैलरी, 100 कैश पेमेंट है, तो कैश में आपको लिखना है 2000 सैलरी का। अगेन ब्रोकरेज पेमेंट है, कितना पेमेंट है ब्रोकरेज 100। अगेन यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ बाय ब्रोकरेज, कितना पेमेंट किया है आपने 100। आगे है फोर्थ के बाद सिक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, देखिए 2000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस का एक्सपेंस के लिए विड्रॉन नहीं किया है, ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन नहीं है, बैंक में से आपने विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया है 3000 पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, यानी कि ये हो गया आपका ड्रॉइंग। डेट कौन सी है, डेट है आई थिंक सिक्स बाय ड्रॉइंग से का, कितना ड्रॉइंग्स आपने किया है 3000, ड्रॉइंग के सामने एग्जैक्ट होना चाहिए, ये रहा आपका 3000 आपने ड्रॉइंग किया है बैंक से। नेक्स्ट वन टेंथ को देखिए, गुड्स ऑफ रुपीज 6000 सोल्ड टू हिरेन, हिरेन पेड 4000 बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेड बाय चेक विच इज डिपोजिटेड इन अ बैंक। मैंने गुड्स सोल्ड किया है तो रिसिप्ट साइड मेरे को लिखना पड़ेगा टेंथ को टू सेल्स अकाउंट। देखिए टोटल मैंने सेल्स किया है कितना, गुड्स ऑफ रुपीज 6000 सोल्ड, हिरेन पेड 4000 कैश, इसमें से कैश है 4000, टोटल 6 में से 4 कैश, तो चेक कितना होगा 2000 का चेक होगा। ओके ये 10th हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए 12th को क्या है वो देखना है, गुड्स ऑफ रुपीज 5000 परचेज एन अमाउंट पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट है 12th को, मैंने परचेज किया है यानी कि पेमेंट साइड मेरे को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, कितना परचेज किया है मैंने 5000, और पेमेंट कहाँ से किया है बैंक से, तो बैंक कॉलम में आपको लिखना है 5000। शॉप रेंट 2000 पेड बाय चेक, ये भी चेक से पेमेंट है 17th को, बाय रेंट अकाउंट, या तो शॉप रेंट लिख सकते हैं, सिर्फ रेंट भी लिख सकते हैं, कितना पेमेंट किया है 2000, चेक से पेमेंट है तो बैंक में आपको लिखना है 2000। आगे है 21st को, गुड्स ऑफ रुपीज 4500 परचेज इन कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे देखिए ट्रेड डिस्काउंट आपको करना है लेस, कौन सी डेट है 21st, गुड्स कितना था 4500, इसमें से टीवी 10 ट्रेड डिस्काउंट है 10% 4450, तो परचेज कितना हुआ 4050, ये है आपका परचेज। आपने परचेज किया है तो कैश आउटफ्लो होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 21st को बाय परचेज अकाउंट, कितना परचेज किया है 4050, पेमेंट कहाँ से किया कैश, तो केस में आपको लिखना है 4050। नेक्स्ट वन करिश्मा हैज पेड 2550 बाय कैश टुवर्ड हर डेट, करिश्मा ने पेमेंट किया है, इट मींस मेरे को कैश मिल रहा है, तो रिसिप्ट साइड हम लिखेंगे 24th टू करिश्मा अकाउंट, करिश्मा कितनी कैश मेरे को मिल रही है 2550, कैश कॉलम में आपको लिखना है 2550। आगे आत्मकल्याणी हैज बीन पेड टू और 1200 टू और फुल सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड अकाउंट, मैंने आत्मकल्याणी को पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड मेरे को लिखना पड़ेगा बाय आत्मकल्याणी अकाउंट, आत्मकल्याणी कितना पेमेंट किया है मैंने 1200, कैश पेमेंट है, आत्मकल्याणी हैज बीन पेड 1200, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कैश है या चेक, तो आपको ऐसा ही एजम्पशन करना है आपने कैश पेमेंट किया। आगे लिखा जानवी इश्यूड अ चेक रुपीज 3000 विच इज इमीडिएटली डिपोजिटेड इन अ बैंक, जानवी से मेरे को चेक मिला है
29th को, तो यहाँ पे लिखेंगे 29-2, किससे पंचसचिव मिला है, जाह्नवी। जाह्नवी अकाउंट कितना चेक आपको मिला है, 3000 का चेक मिला है, विच इज डिपोजिटेड इन बैंक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1000 कैश डिपोजिटेड इन बैंक, अमाउंट डिपोजिटेड इन बैंक, मैंने 1000 कैश डिपोजिट किया, इट मींस कैश जा रहा है, कैश में होगा क्रेडिट, बैंक में डिपोजिट किया, इट मींस बैंक में कैश आ रहा है तो बैंक में होगा डेबिट, लिखना है क्रॉस, आपको बैंक के सामने क्या लिखना है, कैश अकाउंट, और कैश के सामने क्या लिखना है, अपोजिट अकाउंट नेम बाय बैंक अकाउंट, और LF कॉलम में C, इट मींस इट इज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा C, और डेट कौन सी है, 30th, ये रही 30th में, यहाँ पे भी 30th में, अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ, मैंने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, यानी के कैश जा रहा है, कैश आउटफ्लो कैश कॉलम में होगा क्रेडिट, बैंक में डिपॉजिट किया इट मींस बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट में होगा डेबिट, बैंक के सामने आपको लिखना है कैश, कैश के सामने आपको लिखना है बैंक, और LF कॉलम में लिखना है सी, दैट इज एज पर कॉन्ट्रा, बस ये एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो चुका है कम्प्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं टोटल, सबसे पहले कैश का तो आपको मालूम है डेबिट साइड टोटल ऑलवेज मोर, कैश कॉलम में ऑलवेज, कैश का रूल से ऑलवेज डेबिट साइड टोटल वुड बी मोर, तो 4+4 8+2 10,550, अपोजिट लिखेंगे 10,550 में से -2100 -4050 -1200 -1000 डिफरेंस होगा 2200, यहां पे लिखेंगे लास्ट डेट 31st में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आगे देखिए बैंक कॉलम में आइधर और कोई भी साइड टोटल ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे है 10,000, यहाँ पे ज्यादा है तो डेबिट साइड अगेन 6,000 प्लस 4,500 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, बैंक का टोटल हो गया 16,500, अपोजिट साइड लिखेंगे 16,500, इसमें से आपको ये लेस करना है 10,000, तो डिफरेंस आपको मिलेगा 6,500। नेक्स्ट मंथ, मई के बाद मंथ होगा जून, यहाँ पे लिखेंगे हम June 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी के ओपनिंग बैलेंस कैश में लिखना है आपको 2200, बैंक में आपको लिखना है 6,500, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5th यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, याद रखो टेक्स्ट बुक का ही आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होगा, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा 3 columnar कैश बुक, और नेक्स्ट लेक्चर वैसे तो शायद लास्ट लेक्चर नहीं 6th लेक्चर तक जाएंगे शायद, 6 या तो 7 तक में हो जाएगा आपका चैप्टर खत्म। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हम वर्किंग करेंगे, चलो रेडी, एग्जाम्पल नंबर 6, लेक्चर तो सेम है, सेम लेक्चर में आज हम 2 एग्जाम्पल करने के लिए जा रहे हैं, 5th and 6th, 5th हो चुका है, अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6, आपको देखना है अगेन टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए, बराबर, चलो रेडी,
इसमें भी ये दो कॉलम ही है, कैश एंड बैंक कॉलम। देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश एंड बैंक कॉल्यूमर कैश बुक इन ए बुक्स ऑफ भगवती ट्रेडर्स। सबसे पहले 2015 जुलाई 1st ओपनिंग कैश बैलेंस, तो ओपनिंग कैश बैलेंस कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड। जुलाई 1st यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है कैश बैलेंस मेरे को दिखाई दे रहा है 5000। यदि बैंक बैलेंस होगा तो ये बैंक कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे, यदि बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट साइड। क्या लिखा है, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ पे नहीं लिखने का है, आपको लिखना है क्रेडिट साइड जुलाई 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन 1500। याद रखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि बैंक बैलेंस है तो यहाँ पे लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड। अब देखिए थर्ड को क्या है, गुड्स ऑफ रुपीज 8000 सोल्ड टू जानकी एक 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। थर्ड का देखिए गुड्स कितना था 8000, इसमें ट्रेड डिस्काउंट है तो आपको लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10% 800 7200। ये कोई एंट्री नहीं होगी ट्रेड डिस्काउंट की, यदि मैंने परचेज किया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज, मैंने सोल्ड किया है तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। सेल्स करूंगा तो मेरे पास कैश या तो चेक इनफ्लो होगा तो मेरे को लिखना है डेबिट साइड, कैश रिसीव्ड है तो कैश में लिखेंगे 7200। सेल्स किया है तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। डेट है आपकी थर्ड के बाद आप अब देखना है फिफ्थ को, 3000 डिपोजिटेड इन ए बैंक, थोड़ी देर पहले भी आया था सेकंड टाइम अमाउंट डिपोजिटेड इन बैंक, आपने बैंक में अमाउंट डिपोजिट किया इट मींस कैश जा रहा है, कितना डिपोजिट किया है 3000 तो कैश में होगा क्रेडिट, और मैंने कैश जा रहा है कैश में क्रेडिट, मैंने बैंक में अमाउंट डिपोजिट किया यानी कि बैंक में आ रहा है तो बैंक में होगा डेबिट। लिखना है क्रॉस, बैंक के सामने क्या लिखेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट, और कैश के सामने क्या लिखना है आपको टू बैंक सॉरी बाय बैंक अकाउंट। एलएफ में सी इट मींस ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, डेट है आपकी फिफ्थ, यहाँ पे भी डेट आपको लिखनी है फिफ्थ। ओके ये ट्रांजेक्शन इंपोर्टेंट था, ये हो गया फिफ्थ का। सिक्स देखिए गुड्स ऑफ रुपीज 2000 सोल्ड टू जिनल, जिनल पेड अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक विच इज डिपोजिटेड इन ए बैंक, मैंने गुड्स सोल्ड किया है चेक आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना चेक मिल रहा है आपको 2000 का तो बैंक में आपको लिखना है 2000। नेक्स्ट वन आगे है फर्नीचर 2000 परचेज एंड अमाउंट इज इमीडिएटली पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड आपको लिखना है ए, क्या लिखेंगे बाय फर्नीचर, कितना फर्नीचर आपने परचेज किया है 2000 का चेक से पेमेंट है, बैंक कॉलम में आपको लिखना है 2000। आगे लिखा चेक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक रुपीज 3000 रिसीव्ड फ्रॉम भार्गवी विच इज एंडोर्स इन फेवर ऑफ पार्थ, भार्गवी से मेरे को चेक मिल रहा है, वो चेक मैंने किसको दे दिया पार्थ को, चेक आ रहा है सेम चेक जा रहा है, मेरा बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, मेरा कैश बैलेंस में भी चेंज नहीं है, तो ये कैश बुक में नहीं लिखेंगे, ये कहां पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको नोट लिखनी पड़ेगी, दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में क्या लिखेंगे क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर, कौन दे कौन रहा है भार्गवी, कौन ले रहा है पार्थ, तो पार्थ अकाउंट डेबिट भार्गवी अकाउंट क्रेडिट, जर्नल प्रॉपर में आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। ओके नाइन्थ को कैश बुक में कोई जगह पे हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वन नाइन्थ के बाद 13th आपको देखना है गुड्स ऑफ रुपीज 6000 सोल्ड टू अर्शिद, हर्षित हैज पेड हाफ अमाउंट बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेड बाय चेक विच इज इमीडिएटली डिपोजिटेड इन बैंक, मैंने सेल्स किया तो मेरे पास चेक आ रहा है कैश आ रहा है तो हम लिखेंगे डेबिट साइड 13 को, अगेन लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना सेल्स किया है टोटल सेल्स है 6000, इसमें से हाफ अमाउंट 3000 कैश है
3000 का चेक है। ओके आगे लिखा गुड्स ऑफ रुपीज 6000 परचेज फ्रॉम देवियस अमाउंट इज इमीडिएटली पेड इन कैश। मैंने गुड्स परचेज किया है इट मीन्स कैश जा रहा है कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सी डेट पे 15 कितना परचेज किया है 6000 का तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट। नेक्स्ट वन परचेज के बाद सैलरी 1000 ब्रोकरेज 500 आर पेड इन कैश ये भी कैश पेमेंट है 18th को दो बार आपको 18th लिखनी है। बाय सबसे पहले है सैलरी तो लिखेंगे सैलरी अकाउंट कितनी सैलरी आपने पेड की 1000 अगेन पेमेंट किया है ब्रोकरेज तो अगेन लिखेंगे बाय ब्रोकरेज अकाउंट। बाय ब्रोकरेज अमाउंट पेड किया है आपने 500 कैश पेमेंट है तो कैश कॉलम में लिखना है आपको। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 22nd ये पॉइंट आ रहा है देखिए 1000 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट के लिए आपने बैंक में से विथड्रॉ किया अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर एनी बिजनेस एक्सपेंसेस इट मीन्स बैंक में से मैंने विड्रॉ किया तो बैंक में से अमाउंट जा रहा है तो बैंक अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। कितना विड्रॉ किया है 1000 ये 1000 मैंने बैंक से विड्रॉ किया बाद में 1000 में कहां पे रखूंगा ऐसे हाथ में लेके घूमता रहूंगा नहीं कहां पे रखूंगा कैश बॉक्स में रख दूंगा। तो बैंक में से जा रहा है 1000 बैंक में से विड्रॉ किया कैश बॉक्स में मैंने 1000 रख दिया तो कैश आ रहा है लिखना है क्रॉस केस के सामने क्या लिखना है आपको बैंक अकाउंट और बैंक के सामने क्या लिखना है आपको कैश अकाउंट और एलएफ में सी डेट कौन सी डेट में आपने विड्रॉ किया है 22nd तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22nd यहाँ पे भी लिखेंगे 22nd ये हो गया बैंक से विड्रॉ और इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। आगे लिखा है 23rd इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कितना पेमेंट किया होगा विड्रॉ कितना किया था 1000 तो अब देखिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया कैश जा रहा है कैश में लिखेंगे क्रेडिट बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल डेट कौन सी है 23rd को मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर चुका हूँ। नेक्स्ट वन अब देखिए 24 गुड्स ऑफ रुपीज 1400 सोल्ड टू स्नेह For which he issued check of the necessary amount, which is immediately deposited in bank. मैंने सेल्स किया स्मिथ को मेरे को चेक मिला कितना 1400 का तो यहाँ पे लिखेंगे 1400 सेल्स किया है तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट कौन सी डेट में मैंने सेल्स किया है देखिए 24th, 25th, 24th को तो यहाँ पे लिखेंगे 24th को चेक मिल गया है मैंने बैंक में ऑलरेडी डिपोजिट कर चुका है। आगे लिखा है 27th को बैंक इनकम दैट चेक इश्यूड बाय स्मिथ इज दिस ओनर जब भी चेक दिस ओनर होगा तो आपको लिखना है अपोजिट साइड यहाँ पे मेरे को चेक मिला था स्मिथ से अब चेक दिस ओनर हो गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड 1400 मगर यहाँ पे नेम ऑफ पार्टी लिखना है जब भी चेक दिस ओनर होता है किसका चेक था स्मिथ तो यहाँ पे आपको लिखना है स्मिथ अकाउंट। डेट कौन सी डेट पे दिस ओनर हो रहा है 27th को। आगे लिखा बैंक डेबिट रुपीज 100 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑडिट एंड इट इज इन्फॉर्म अस थ्रू बैंक एडवाइस बैंक ने किया है डेबिट तो हम बैंक से अपोजिट मेरे को करना है बैंक करते हैं डेबिट तो मैं करूंगा क्रेडिट मगर बैंक कॉलम कितना 100 क्या है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे हम लिखेंगे डेट कौन सी डेट पे बैंक ने इन्फॉर्म किया है 28th को बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑडिट पे इंटरेस्ट है बस हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। अगेन आपको टोटल करना है आपको इतना तो मालूम ही है कैश में ऑलवेज कौन सी साइड टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड कैश में ऑलवेज डेबिट साइड ही टोटल ज्यादा होगा तो सबसे पहले मैं कैश का टोटल कर रहा हूँ 5000 प्लस 7200 प्लस 3 प्लस 1 यानी के 4000 टोटल हो जाएगा 16200 अपोजिट 16200
16200 में से ये सब आपको लेस करना है, 3 + 6 9 + 1 10, 500 11 500, माइनस करेंगे 11 500, 4700 आपका क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे लास्ट डेट होगी, जुलाई की लास्ट डेट होगी 31st, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगेन 16200 में से 6 + 3 9 + 10 11 500, बराबर है, चलो हो गया 4700। बैंक में आइधर और कोई भी सेट टोटल ज्यादा हो सकता है, 3 + 3 6 + 2 8 9 400, यहाँ पे डेबिट ज्यादा है, 3 + 3 6 + 3 9 400, अपोजिट साइड 9 400, 9 400 में से ये सब आपको करना है लेस, -1500, -2000, -1000, -1500, तो डिफरेंस आपको मिलेगा 3400। ये बैलेंस टोटल के नीचे जुलाई के बाद मंथ होगा अगस्त, तो यहाँ पे लिखेंगे अगस्त 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस आपका कैश का है 4700 एंड बैंक का बैलेंस है 3400। बस ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से आगे का नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर में आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, ये दो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ओके, बाय बाय।